हेलो दोस्तों। तो ये चैट जीपीटी का जो अपडेट है वो GPT-4 के बाद सबसे मेजर अपडेट है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज जो निकल के आती हैं इसके यूज केसेस की वो इनडेफिनेट हैं। मतलब आप अनलिमिटेड टाइप से इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो अपडेट है आप देख सकते हो, चैट जीपीटी कैन नाउ सी हियर एंड स्पीक नाउ। अब जो है चैट जीपीटी वो इमेजेस के साथ वर्क कर सकता है, वो वॉइस के साथ कर सकता है वर्क। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डेमो दिखाऊंगा, उसके बाद पॉसिबिलिटीज बताऊंगा कैसे इस चीज को आप यूज कर सकते हो। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, डिजिटल मार्केटर हो, या स्टॉक मार्केट में आप एनालिसिस वगैरह करना चाहते हो, या मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, लाइक आप कोडर हो, यूट्यूब के थंबनेल डिजाइन करने हैं, तो कैसे इस चीज को आप यूज कर सकते हो आसानी से। तो सबसे पहले इसके एक डेमो को दिखाएंगे, जिससे आप इस चीज को प्रॉपर समझ पाओगे कि एक्चुअल में फीचर क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेमो वीडियो पे आ जाते हो, मैं आपको डेमो दिखाता हूं। तो ये एक सिर्फ डेमो है, एक सिंपल सा यूज केस है। पॉसिबिलिटीज इसके बहुत ही ज्यादा बियॉन्ड है। लाइक यहाँ पे मान लो आपकी कोई साइकिल है और आप उसकी सीट लोअर करना चाहते हो, बट आपको नहीं आइडिया है कि किस टूल को यूज करना है, कैसे आप सीट को लोअर कर सकते हो। सिंपली आपको फोटो अपलोड करनी है और अपना प्रॉम्प्ट दे देना है कि आपको क्या करना चाहते हो। चैट जीपीटी आपको स्टेप बाय स्टेप सारे इंस्ट्रक्शन लिख के दे देगा कि आपको किस टूल की जरूरत है। इमेज को बहुत ही एफिशिएंटली जो है अब ये वेरीफाई वगैरह कर सकता है कि क्या इशू है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको सजेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे चैट जीपीटी ने बोला कि आप उसका लीवर जो है वो ढीला कर सकते हो, उसके बाद सीट की हाइट को कम कर सकते हो, तो उसने ये यहाँ पे फोटो डाली कि यह लीवर है, तो उसने बोला नहीं ये बोल्ट है। तो इसको और ज़्यादा क्लियरिफाई करने के लिए उसने यूज़र ने जो है इसका साइकिल का यूजर मैनुअल और उसके बाद जो जो टूल्स अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पे इमेजेस की फॉर्म में अपलोड कर दिए। और जैसे ही ने ये सारे टूल और इमेजेस जो मैनुअल के हैं वो अपलोड किए, चैट जीपी ने उसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए कौन सा टूल यूज करके आप जो है लोअर सीट कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा यूज केसेस है। अब अगर रियल पॉसिबिलिटीज की बात करें तो जैसे मान लो आपको यूट्यूब का कोई थंबनेल डिजाइन करना है, तो आप कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हो किसी और के यूट्यूब थंबनेल से, या रेफरेंस कुछ जनरेट कर सकते हो और यहाँ पे वो फोटो अपलोड कर सकते हो और कस्टम प्रॉम्प्ट दे सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको चैट जीपीटी में थर्ड पार्टी प्लगइन या एक्सटेंशन का ऑप्शन मिल जाता है। लाइक नॉर्मली यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कैनवा से अपने थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं, तो वो आपको जो रेफरेंस इमेज दी होगी उससे प्रॉम्प्ट लेके कैनवा के थ्रू आपको एक थंबनेल ऑटोमेटिक जनरेट करके दे सकता है। और यहाँ पे वॉइस से भी ये वर्क कर सकता है, तो वॉइस की भी काफी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। लाइक यहाँ पे टेक्स्ट टू वॉइस आप आराम से कन्वर्ट वगैरह कर सकते हो।